कार्तिक पूर्णिमा पर घाट घाट पर उमड़े श्रद्धालु बालिकाओं ने तराई पानी में काढ़ी से बनी टाटियां। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और बालिकाओं ने रामपुरा, आंतरी माताजी, चारभुजा, ढंढेड़ी आदि पवित्र स्थान पर जाकर के नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। बालिकाओं द्वारा कार्तिक माह में एक महीने तक व्रत रखने के बाद आखिरी दिन नदी के घाट पर जाकर काढ़े से बनाई गई टाटी पर दीपक रखकर पानी में तराते हैं। ऐसा मान्यता है कि कुंवारी बालिकाएं अच्छे पति के लिए जीवन में दो बार व्रत करती हैं। वहीं मान्यता है धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन को दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु का ही एक नाम है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफ़ी पवित्र और शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसकी खुशी में देवताओं ने हजारों दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, जो आज भी देव दिवाली के रूप में मनाई जाती है। रिपोर्ट रमेश राठौर, मनासा। नमस्कार, मेरा नाम विद्या कुशवाहा और मेरी तरफ से आप सभी को कार्तिक पूनम की हैप्पी शुभकामनाएं। तो कार्तिक पूनम के दिन टाटी तराई जाती है। अनेक महिलाएं और उनके पुत्री उनके साथ आती है, तो वो टाटी तराते एवं नौका विहार भी करते हैं। तो सरोवर में जो टाटी तरती है, तो ये शुभ माना जाता है कि उसकी पूरी आरती हो गई। और इसी पर्व पे सभी पुरुष गण एवं महिलाएं यहाँ पे अपने पुत्रियों को लेके आती है और अपनी पुत्रियों की टाटी तराती है। तो इसको शुभ दिन भी माना जाता है। इस दिन कई कार्य भी किए जाते हैं। तो आप सभी को कार्तिक पूनम की हैप्पी शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।